खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। कितना बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता? गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए क्या है सरकार का कदम? और क्यों कम हुई पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की उम्मीद, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए डीए को लेकर आया अपडेट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार सितंबर में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% तक बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता। फिलहाल महंगाई भत्ता है 42%, जिसे जल्द ही बढ़ाया जा सकता है 45% तक। श्रम मंत्रालय के जारी जून AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है ये अनुमान। अब जल्द बैंकों में होगा 5 दिन काम, कर्मचारियों की रहेगी शनिवार और रविवार को छुट्टी। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की ओर से रविवार के अलावा शनिवार को भी बंद रखने की लगातार मांग की जा रही थी, जिसे अब मिल गई है मंजूरी। बैंकर्स को भरोसा है कि उनके प्रस्ताव को जल्द ही वित्त विभाग से भी मिल जाएगी मंजूरी। देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आने वाले दिनों में सरकार ले सकती है बड़े फैसले। इसके लिए गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के साथ स्टॉक लिमिट को लेकर भी बढ़ सकती है सख्ती। इस साल सरकार ने जितना गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, बाजार में नहीं दिख रही है वैसी सप्लाई। गेहूं की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार रूस से 90 लाख टन गेहूं आयात के लिए कर सकती है डील। घरेलू उत्पादन में कमी की चिंता के बीच गेहूं की कीमतें लगातार बनी हुई हैं ऊंची। गेहूं के साथ ही दालें भी विदेश से आएंगी। मोजाम्बिक से तुअर और उड़द दाल का इम्पोर्ट बिना रोक टोक रहेगी जारी। सरकार ने 31 मार्च 2024 तक बिना किसी पाबंदी के तुअर और उड़द दाल के आयात को दी है मंजूरी। मुक्त श्रेणी में जारी रहेगा इनका आयात। मोजाम्बिक से भारत में 2 लाख टन तुअर की खरीद की गई है सुनिश्चित। देश में दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तुअर इम्पोर्ट पर लगने वाली 10% ड्यूटी को भी हटाया। देश में पेट्रोल डीजल के जल्द सस्ता होने की उम्मीद हो गई है और कम। कच्चे तेल के बड़े निर्यातक देश सऊदी अरब ने उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल की कटौती सितंबर तक जारी रखने की है घोषणा। सऊदी अरब के इस फैसले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए हैं कच्चे तेल के दाम, जिस वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की घट गई है संभावना। कच्चे तेल की सुस्त पड़ी कीमतों में तेजी लाने के लिए सऊदी अरब ने जुलाई में तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की थी घोषणा। अब सऊदी अरब ने सितंबर अंत तक यह सिलसिला जारी रखने का किया है फैसला। चालू वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में एमएसएमई को बैंक ऋण वृद्धि में सालाना आधार पर आई गिरावट। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार जून में मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में 13.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल था 47.8%। वहीं सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए गए कर्ज में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक साल पहले था 29.2%। जून के अंत में मध्यम उद्योगों का सकल बैंक ऋण बकाया 2,63,440 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल जून में था 2,32,776 करोड़ रुपए। एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कहा कि जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के कारण छोटी इकाइयों को ऋण देने से बचना चाहते हैं बैंक, जिससे उन्हें ऋण देने की वृद्धि दर में हुई है गिरावट। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में 12% उछला। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद पेटीएम के शेयरों में आई है ये बम्पर तेजी। शर्मा ने पेटीएम की मूल कंपनी यानी कि 197 कम्युनिकेशंस में 10.30% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एंट कम्युनिकेशन के साथ की है एक डील। एंट ग्रुप या एंट फाइनेंशियल चीनी औद्योगिक घराने अलीबाबा ग्रुप की है कंपनी। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज इतना ही। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और साथ ही डाउनलोड कर लें हमारा मनी 9 ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।